हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिथाकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाएं ताकि आप मेरी वीडियोस देख सके सबसे पहले। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं चाइना के गिरते हुए स्पेस स्टेशन थियांगोंग 1 की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो थियांगोंग 1 चाइना का पहला प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन है। इसे लोग हेवेनली पैलेस भी कहते हैं। इसे 29 सितंबर को लॉन्ग मार्च 2FG रॉकेट के मदद से स्पेस में पहुंचाया गया। इसका वजन 8506 किलोग्राम और लंबाई 10.4 मीटर है। इसका डायमीटर 3.35 मीटर है। टियांगोंग 1 का काम यह था कि वो मैनेट स्पेस रिसर्च लेबोरेटरी और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट बेस बन सके। लेकिन 2016 में ये अचानक से कंट्रोल से बाहर चला गया और अर्थ के चक्कर लगाने लगा। साइंटिस्ट की माने तो टियांगोंग 1 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच गिरेगा और साइंटिस्ट के अनुसार टियांगोंग 1 का ज्यादातर हिस्सा जल जाएगा और कुछ छोटे छोटे हिस्से ही बचेंगे। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि टियांगोंग 1 कहाँ गिरेगा, पर हाँ, ज्यादातर चांसेस तो ये ही है कि वो समुद्र में गिरेगा और मानव जाति के रहन सहन से बहुत दूर गिरेगा और इससे ज्यादा नुकसान ना होने की उम्मीद है। इसके बहुत कम चांसेस है कि वो आपके घर के पास गिरे, पर हाँ अगर ऐसा होता है तो आप उसे ना छुएं, क्योंकि बस स्पेस से आया है। यहाँ दोस्तों, टियांगोंग 1 बहुत समय से स्पेस में घूम रहा है और वो स्पेस से आया है। इसलिए उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर आप उसको रखने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा करने से आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि इससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जब तक चाइना उसको अपना बताता है, वो उसका है, और अगर आप उसे अपने पास रखते हैं तो आपको सज़ा भी मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी चीज़ गिरती है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उसे दूर रहें और तुरंत ही किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस बारे में बताएं, वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, ये चांसेस बहुत कम है कि कोई पार्ट टियांगोंग 1 का आपके पास गिरे, पर सावधान रहने में क्या जाता है, क्योंकि टियांगोंग 1 का गिरना बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर वह मानव जाति के रहन सहन के इलाके में गिरा। क्योंकि पिछले कुछ सदियों से ऐसे बहुत से हादसे हुए जिसमें स्पेस से गिरती हुई डेब्रीज की वजह से लोगों को चोट लगी है या लोगों की जान गई है। पिछले कुछ साल पहले ही एक मटर के दाने के जितना बड़ा, जी हाँ दोस्तों, एक मटर के दाने जितना बड़ा टुकड़ा स्पेस से गिरा और एक आदमी के सर पर लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। क्योंकि दोस्तों, जब वो चीज़ इतनी दूर से आ रही होती है तो बहुत ज़्यादा ताकत से आती है, भले ही वो इतनी छोटी क्यों ना हो। तो दोस्तों, सावधान रहने में क्या जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना ईस्टर खराब ना करें और उस दिन सावधान रहें। तो दोस्तों आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका ईस्टर खराब हो जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस बार।